की देवीन चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा को जोड़ लेते हैं अब और उनसे बात करते हैं, एक खास बातचीत करते हैं इस मार्केट को लेकर। ध्यान रखिएगा, देवीना जी से जब भी बात होती है वो कभी नियर टर्म की बात नहीं होती, एक बड़ी थीम्स को पकड़ने की कोशिश होती है। और जब जब मार्केट में बड़े डिक्लाइन आए हैं, जब जब एक बड़ा बॉटम पकड़ने की बात हुई है, तब हमने देवीना जी से बात की है। और देवीना जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है 30 साल से ज़्यादा का, सिर्फ इंडिया का नहीं, अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन मार्केट सब पर एक अच्छी पकड़ रखती है देवीना जी। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। तो आपका एक व्यू रहा है मार्केट में कि सबसे बड़ा रिस्क है इस मार्केट में पार्टिसिपेट ना करना, वो बहुत बखूबी से प्ले आउट करता आया है, अभी भी क्या वही रिस्क है इन लेवल्स पर भी? गुड मॉर्निंग अनुज, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नया संवत भी मुबारक हो। तो जहां तक आपका ये मार्केट का सवाल है, जी हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में निवेशित नहीं रहने का ये रिस्क रहता है कि आप अप मूव मिस करेंगे। तो जहां तक अभी भी लार्ज कैप साइड की बात है, जो निफ्टी सेंसेक्स जैसे स्टॉक्स हैं, या मतलब इंडेक्स ही लेवल है, और वहां पर मुझे अभी कोई ऐसा बड़े क्रैश का खतरा नहीं नजर आता। थोड़ा बहुत करेक्शन तो खैर होता रहता है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि जो 2010 से 20 का दशक था, उसमें आपको बहुत कम रिटर्न मिला इक्विटी में, शायद 8.8% कंपाउंडिंग रहा, जबकि उन दिनों फिक्स डिपॉजिट ही आपको 7-7.5 देते थे। तो पूरे दशक में आपको इक्विटी वाला रिटर्न ही नहीं मिला। तो क्रैश का डर तो तब होता है जब आप ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर हो, और जो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट का कंपाउंडिंग रहा है 15-16%, उससे बहुत कम इसमें रिटर्न रहा। तो अभी जो 2020 से जो बुल रन आया भी, तो अभी भी हम लोग ट्रेंड लाइन तक पहुंचे भी नहीं है, तो वो रिस्क कम है। लेकिन जहां पर आपको सावधान रहना है वो है स्मॉल कैप, मिड कैप, वो सब जगह पर जहाँ कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा सब नजर आता है, लेकिन वो कितने दिन टिकता है वो एक बात रहती है। क्योंकि आप 2008-09 में देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्टॉक्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 80% गिरा था। और वो 2016 में जाके 2008 वाली लेवल आई, 1-1.5 साल का बुल रन रहा, उसके बाद फिर लगभग 2/3 गिरा। जो अभी आपको मिल रहे हैं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप मैनेजर्स, जो बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल में हमने 50% या 60% कंपाउंडिंग दी, आपको याद रखना चाहिए कि कोई चीज जब 2/3 गिरती है तो 3 गुना भी होगी तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ख्याल में रखनी है। स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो एक बुल रन के बाद गायब ही हो जाते हैं। मैं अभी एक स्टॉक मार्केट हिस्ट्री वाली किताब पढ़ रही थी, तो उसमें जो 93-94 और इसके आसपास का जो बुल रन था, उसमें आईपीओ भी आए थे, तो हर साल 1,000 कंपनी, 1,300 कंपनीज, इतनी लिस्टिंग हुई थी। अब उन कंपनीज का कोई नामो निशान नहीं है, पूरा बीएससी का और एनएससी मिला के लिस्टिंग 4-5 हजार स्टॉक्स की रहती है। और तो ऐसे आईपीओ भी आते हैं जिसमें बूम टाइम में जो कुछ साल बाद वो स्टॉक्स ही नहीं आपको नजर आते ट्रेड होते हैं। तो देवीना मैम बिल्कुल, अच्छा आपको भी फेस्टिव की बहुत बहुत मुबारक, फेस्टिव सीज़न की। तो अब इस समय आपकी बिग कॉल्स क्या हैं, इस समय आप कहाँ पर बड़ा निवेश करने के लिए या तो खुद कर रही हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में क्या बिग इन्वेस्टमेंट कर रही हैं आप इस समय? हम लोग, एक तो जहां तक हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस का सवाल है, हम लोग बड़ा निवेश किसी में नहीं करते। हमारा पूरा फिलॉसफी यही है कि आपको रिस्क मैनेज करके चलना है, और उसमें एक ये इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि स्टॉक्स और स्टॉक्स ही नहीं, सेक्टर्स भी आपको काफी डाइवर्सिफाई करके चलना होता है। तो ये हमारी एक, आप समझ लीजिए, मूल सिद्धांत है जिस पर हम लोग मैनेज करते हैं। तो अगर आज की डेट में देखूं तो सबसे ज्यादा ओवरवेट जो सेक्टर है वो पिछले 2 साल में बदला नहीं है, वो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स है। बहुत सारे लोगों ने 2023 में उसकी बात करनी शुरू की, हमने इस सेक्टर में ओवरवेट कॉल लिया था अक्टूबर 2021 में। सो अब 2 साल हो गए, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2x-3x भी हो गया, थोड़ा हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, ये सब किया, पर अभी भी वो सेक्टर ओवरवेट है। और जो हर तिमाही पे हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये
रन इसका खत्म हो गया, पर अभी तक वैसा सिग्नल आया नहीं है। तो वो है 2023 में जहां हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया निवेश, वो है ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी ली। इंडेक्स पर जो ड्रैग हो सकता है वो है बैंक्स। तो बैंक्स, चेयरमैन, मुझे किसी ने बोला था कि ये तो आपका तकिया कलाम है, कि आप हमेशा बोलती हैं कि बैंक में मैं नर्वस इन्वेस्टर हूँ, सो निवेश करती हूँ तो बहुत डर डर के। तो अभी बैंक्स उतना अच्छा नहीं लग रहे हैं, और खासकर अभी भी पीएसयू बैंक्स प्राइवेट सेक्टर से बेहतर लग रहे हैं, तो वो कॉल अभी भी रहती है। नॉन बैंक फाइनेंशियल से तो हम लोगों ने कभी विशेष निवेश किया ही नहीं, तो ये एक तरह से जो तस्वीर है ओके मैम, ये अभी ये सामने आती है। गुड मॉर्निंग मैम, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने सब सेक्टर का जिक्र किया और किन किन को आप लोगों ने अपने पीएमएस में स्पेस दिया है उसका जिक्र आप कर रही थी। मैम अगर इंक्लूडेड हो या ना भी हो फिर भी आपका एक व्यू चाहेंगे। यूएस में जो बॉन्ड यील्ड बैकफुट पे आए हैं, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, उससे उसका सरोकार एस्टेब्लिश करते हुए मैं निफ्टी आईटी पे आपका व्यू चाहूँगा। मैम आज तो इसमें डे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, बट निफ्टी आईटी पर, लार्ज कैप आईटी पर मैम इस लेवल पे आपका व्यू क्या है, स्पेशली जो पिछले 2 दिन में यूएस मार्केट में हुआ इन्फ्लेशन के फ्रंट पे और यील्ड के फ्रंट पे उसको देखने के बाद। जहां तक यूएस का सवाल है, इस पर मैंने पिछले हफ्ते एक लेख भी लिखा था कि जो पिछला फेड की मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बाजार ही हमारा काम कर रहे हैं, क्योंकि यील्ड्स ऊपर है, फाइनेंशियल कंडीशन टाइटनिंग जो बोलते हैं वो है। कम होने लगी थी, और उसी टाइम मैंने ये लेख लिखा था कि ये अब एक तरह से वो होता है कि फीडबैक लूप की, आप एक चीज से दूसरी चीज असर होती है और फिर दूसरी से पहली फिर होती है। तो अगर इस तरह से बाजार रहा तो फेड फिर से बोलेगा कि हमको इन्फ्लेशन पे कंसंट्रेट करना है, जिसे बोलते हैं हॉकिश स्टैंड लेगा, और वो हुआ भी। उसके बाद से फेड ने यही कहा कि हम लोग को अभी इन्फ्लेशन से ध्यान नहीं हटाना है। जहां तक आईटी का सवाल है, उतना सीधा सीधा तो असर नहीं होता है, और जैसा कि मैंने पहले कहा और आप ज्यादातर मैनेजमेंट कमेंट्रीज में भी आपने ये सुना होगा कि वही होता है कि थोड़ा डील आगे चली जाती है, जो आपने सोचा इस तिमाही में होगा वो 3 महीने 6 महीने आगे चली गई। पर अभी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही खराब स्थिति है। वो सेक्टर अगर हम पूरा देखें तो हमको बहुत बहुत ही अच्छा भी नहीं लगता, बहुत खराब भी नहीं लगता। और सेक्टर के में मिड कैप में ज्यादा पिक्स हमारे सिस्टम्स को नजर आ रही है, तो हम लोग का निवेश है कुछ लार्ज कैप आईटी में भी, पर ओवरवेट नहीं है। अच्छा मैम, कमोडिटीज़ पे आपका व्यू क्या है? आई मीन मेटल्स पे हो गया, प्रीशियस मेटल्स पे हो गया, या फिर एक केमिकल बास्केट भी जिसने CY23 में अब तक परफॉर्म नहीं किया है, उसके इश्यूज़ बहुत थे, आपका इन पर व्यू मैम कमोडिटीज़ पर? अभी तो कोई कॉल नजर नहीं आ रहा कि ये कमोडिटीज में से कोई भी बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि जब ऑयल नीचे गया तो थोड़ा रिफाइनरी वगैरह जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा बेहतर लगने लगे, क्योंकि वो इनपुट उनका सस्ता हुआ। पर अभी कोई इतना बड़ा कॉल पॉजिटिव साइड पे मेटल्स का या केमिकल्स का अभी तो नहीं नजर आ रहा। और केमिकल्स में आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि केमिकल एक बहुत ही कहे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल ही अलग अलग डायनेमिक्स वाली हैं वो केमिकल बास्केट में रहती हैं। तो जब वो कमोडिटी साइकिल बहुत अच्छा था 2020-21 में, तो कुछ कंपनीज के लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि उनके उत्पाद का भाव बढ़ा था, कुछ और कंपनीज के लिए तो मार्जिन खत्म हो गए थे क्योंकि जो जो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल उसका दाम बढ़ा था। तो वो केमिकल तो एक आप पूरा सेक्टर कॉल ले भी नहीं सकते। उसमें मैं खाली आपको एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जिस चीज में भी हम लोग निवेश करें उसमें अपने मन में बहुत सारी कहानी नहीं बना लें उसके लिए। सो एक समय था 2020-21 में जब हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में केमिकल्स थे कई सारे, पर उसके बाद जब वो केमिकल बाजार की स्थिति बिगड़ने लगी तो हम बिना उसमें सोचे हम लोग उससे निकल भी गए।
जब आप अपने मन में बहुत कहानी बना लेते हो किसी कंपनी के बिजनेस के बारे में या उनके मैनेजमेंट या प्रबंधन के बारे में, तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एक जो मैं कहती हूँ कि अपने घर परिवार वालों से, अपने मित्रों से प्रेम करिए, स्टॉक से प्रेम नहीं करिए। बिल्कुल, स्टॉक से प्रेम मत करिए और एकदम अपॉर्चुनिस्टिक रहिए। अच्छा देवीना जी, रियल एस्टेट पर क्या व्यू आपका, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तेजी हो रही है रियल एस्टेट में इस समय। रियल एस्टेट में हम लोगों ने कभी विशेष निवेश किया नहीं है, तो बहुत इतना स्टडी नहीं किया है। ये थोड़ा लेवरेज सेक्टर रहता है, थोड़ा रिस्की सेक्टर रहता है, थोड़ा न्यूज ड्रिवन रहता है, तो हम लोग थोड़ा, जैसा मैंने कहा, हम लोग रिस्क को पहले देखते हैं। ये जरूर है कि जो लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो जो ऊपर का तबका है उसी को केटर करती हैं, लग्जरी को केटर करती हैं, वो सब अच्छा कर रहा है। क्योंकि जितनी भी आपको अर्थव्यवस्था में जो भी समस्याएं नजर आ रही हैं वो उस तबके की नहीं है, वो जो करोड़ों लोग जिनको फ्री राशन चाहिए वो उन लोगों की है। ओके देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अनुज।